सोच करते समय पांच बातें ध्यान में रखें। नंबर एक, सोच के लिए जाने से पहले पानी या ना पानी युवाओं में आम माना जाता है, लेकिन यह खुलकर सोच न होने के कारण भी, इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद दो गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीकर सोच के लिए जाना चाहिए, जिससे आपको अपने शरीर को कई विकारों को दूर करने में मदद मिलेगी। नंबर दो, सोच जाने का सर्वोत्तम समय 5 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। दरअसल इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप तेज होता है, जो मल को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। ये ऐसा समय है जो मल त्यागने के लिए अत्यंत रूप से सुलभ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति जितना देर से मल त्यागने जाता है तो उसे उतनी ही देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है। यह हमारी आंतों और गुदा के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। नंबर तीन, बहुत से युवाओं में चाय पीकर सोच के लिए जाने की आदत देखी जा रही है, जबकि ये आदत बिल्कुल भी सही नहीं है और इस आदत को जल्द बदले जाने की ज़रूरत है। इस बात को जान लें और सूर्योदय होते ही आपके शरीर में एसिड की अधिकता शुरू हो जाती है, जिसको संतुलित करने के लिए आपको क्षार की आवश्यकता होती है। वहीं चाय भी एक तरीके से एसिड का काम करती है और इसे पीने से शरीर में एसिड तेजी से बढ़ जाता है, जो शरीर का तापमान बढ़ा देता है और नौबत पेट खराब तक पहुंच जाती है। नंबर चार, आपको सुबह उठने के साथ ही टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट करने से मुंह में लार बनना अचानक से कम हो जाता है और यह पूरे शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करता है। दरअसल लार न बनने से या फिर लार के कम बनने से आपको इस तरह के रोग भी हो सकते हैं, जिससे मुंह का कैंसर सर प्रमुख है। नंबर पाँच, हम में से बहुत से लोग फ्रेश होने जाते हैं और 2 से 3 मिनट में निकल आते हैं। इसके कारण कई दिन में कई बार सोच जाना पड़ता है, जो कि पेट साफ न होने की वजह है। इसके अलावा बहुत से व्यक्ति कब्ज जैसे रोगों का शिकार होते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत तेज देर तक सोच के लिए बैठ रहना पड़ता है। दोनों ही स्थिति खराब है, इसलिए सोच के लिए ज़बरदस्ती बैठना, बार बार सोच जाना, दोनों ही हानिकारक हैं। आप इन हमारी सारी बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।